भाजपा के गढ़ महू में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोर शराबा थमते ही नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनावी घमासान शुरू हो गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के चलते वार्ड 1 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राहुल द्विवेदी ने चुनावी ताल ठोकते हुए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम जन मौजूद रहे, तो वहीं वार्ड 1 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी ने जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद लिया। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाली नगर परिषद महू में चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी के चलते कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में परिषद के वार्ड क्रमांक 1 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पंडित राहुल द्विवेदी के चुनावी कार्यालय का पूजन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, ब्लॉक कांग्रेस से हुकुम सिंह आंजना, विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष निशान सिंह चौहान और महिला कार्यकर्ताओं के साथ ही क्षेत्र के काफी लोग एकत्रित रहे। कार्यालय उद्घाटन के बाद पार्षद प्रत्याशी ने वार्ड 1 में सघन जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद प्रत्याशी राहुल द्विवेदी ने बताया कि नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 में सीसीटीवी कैमरे लगवाना, स्मार्ट वार्ड बनाना, वार्ड 1 के सभी धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करना, वार्ड 1 में जलकर और संपत्ति कर से राहत दिलाना, क्षेत्र में सभी जगह स्ट्रीट लाइट लगवाना और अन्य कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर कार्य किया जाएगा। तो वहीं जनसंपर्क के दौरान पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, वितुल सिंह चौहान, हुकुम सिंह आंजना, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, वरुण द्विवेदी, समयलाल मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, नितिन ठाकुर, विपुल जैन, शीला तिवारी, प्रेमलता तिवारी, श्वेता डिसूजा और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चुनावी एजेंडा ये है जो महू नगर परिषद के अंदर अभी तक यहाँ पे नालियाँ भी ठीक ढंग से नहीं बन पाई, आज करीब 20-25 साल हो गए और भाजपा का ही यहाँ पे हमेशा शासन रहा है और बहुत सारी मतलब गंदगियाँ हैं, काफ़ी स्ट्रीट लाइटें नहीं है, नालियाँ अगर आसपास नहीं है। और क्या मतदाताओं के बीच संदेश लेके जा रहे हैं? मतदाताओं के बीच अपन यही संदेश ले जा रहे हैं कि भैया इस बार थोड़ा सा बदलाव करिए, इतने समय से तो आप इनको वोट दे रहे हो लेकिन आपका कोई हल तो हो नहीं रहा। शांतिनगर का जो हमारा पूर्वी हिस्सा है उसके अंदर आप देखिए जमाने की समस्याएँ, आए दिन वहाँ पे मतलब गंदगी बनी रहती, बीमारियाँ उत्पन्न होती, लोगों के नाली ड्रेनेज वहाँ पे काफ़ी समस्या है। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतदाताओं को से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद इस बार कांग्रेस को दीजिए और वोट कीजिए और विजय बनाइए। मैं विजय बनूंगा तो जो भी उनकी समस्या है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका नाम? पंडित राहुल द्विवेदी, वार्ड क्रमांक 1, पार्षद उम्मीदवार कांग्रेस। कुल मिलाकर भाजपा के गढ़ महू में वार्ड क्रमांक 1 से कांग्रेस प्रत्याशी पंडित राहुल द्विवेदी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो वहीं पार्षद प्रत्याशी ने पंडित राहुल द्विवेदी ने क्षेत्र के समग्र विकास का दावा किया। महू से संवाददाता सुनील काले की रिपोर्ट।